अगर मीटर के अंदर एम का निशान आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? एम का मतलब मीटर के अंदर एम का निशान आया तो मोटर का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर लगा हुआ नहीं है, तो हम वो कंट्रोलर के ऊपर चेक करेंगे कि प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है। तो यहाँ पे क्या है कि मोटर का जो कनेक्शन है वो लगा हुआ ही नहीं है, उसमें ओनली वाइंडिंग वायर लगे हुए हैं और सेंसर वायर नहीं लगा हुआ है, तो उसको हम प्रॉपर यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, लगाने के बाद में देखते हैं कि मीटर के ऊपर जो एम का निशान आ रहा था वो चला गया है, यानी मोटर का जो सेंसर वायर का प्रॉब्लम था ये लगा हुआ नहीं था, तभी ये रेडी है। कभी कभी क्या होता है कि ये लगने के बाद में भी निशान आ जाता है, तो उसको हम मोटर का जो सेंसर वायर है उसमें सेंसर चेक करेंगे कि मोटर का सेंसर एकदम प्रॉपर सही है क्या। कंट्रोलर कैसे चेक करते हैं? कंट्रोलर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पर रखेंगे। पहले कंटिन्यूटी पर रखने के बाद में हम जो मल्टीमीटर के वायर हैं प्लस माइनस, वो कंट्रोलर के ऊपर प्लस माइनस वायर पे, प्लस पे माइनस वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो दूसरा वायर है मल्टीमीटर का रेड कलर का वायर, वो वाइंडिंग वायर जहाँ पे लगती है मोटर की वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये डीप की आवाज़ दे रहा है, इसका मतलब है कि कंट्रोलर के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। कौन से वायर में? ये कंट्रोलर का पॉजिटिव वायर है, उसमें वो कहीं से शॉर्ट है अंदर से, कोई भी कंपोनेंट या मॉस्फेट कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है अंदर। दूसरी तरफ हम कंट्रोलर के ऊपर माइनस वायर है उस पर हम मल्टीमीटर का रेड कलर वायर लगाएंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे। रीडिंग दिखा रहा है 538, ये 500 से लेके 650 तक दिखाता है, सेम आना चाहिए। किसी ऐसा नहीं कि किसी में 500 आ रहा है, किसी में 650 आ रहा है, किसी में 520 आ रहा है, तो मेरे वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसका मॉस्फेट डाउन आ जाता है अंदर कोई भी कंपोनेंट का। अगर ये कहीं पे भी डीप की आवाज़ नहीं आ रही दोनों पॉइंटों पे, तो ये कंट्रोलर सही है। मोटर का जो सेंसर है, सेंसर वायर, उसको कैसे चेक करते हैं? तो हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे और मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पर रखेंगे। कंटिन्यूटी पर रखने के बाद में हम मल्टीमीटर के दोनों जो वायर हैं वो आपस में टच करेंगे। टच करने का मतलब ये है कि मल्टीमीटर सायरन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो ये वायर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है मल्टीमीटर का, तो ये यहाँ पर सायरन दे रहा है तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। इसके बाद में हम सेंसर वायर चेक करेंगे। सेंसर वायर के कनेक्टर के अंदर 5 पिन आ रही है, जिसमें 2 पिन है प्लस माइनस और 3 पिन है, 3 वायर है वो सेंसर वायर है, जो येलो कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है। इसमें हम जो माइनस वायर है ब्लैक कलर वायर, उस पर हम मल्टीमीटर का रेड कलर वायर डालेंगे। इसे रेड कलर वायर डाल देते हैं, और जो ब्लैक कलर वायर है मल्टीमीटर का वो हम सेंसर के ऊपर लगाएंगे, उसमें रीडिंग दिखाएगा। सभी में सेम रीडिंग आ रहा है। अगर किसी के अंदर रीडिंग जैसे अभी 705 आ रहा है, तो किसी के अंदर मान लो कि 505 आ रहा है या फिर 600 आ रहा है, तो इसका सेंसर ख़राब है। दूसरा, हम सेंसर वायर जैसे रेड कलर का वायर है मोटर का, उस पर हम रेड कलर वायर लगाएंगे, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे। जो मल्टीमीटर का दूसरा जो ब्लैक कलर वायर है वो सेंसर पर लगाएंगे, और हम चेक करेंगे कि रीडिंग कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये सेंसर वायर काम नहीं कर रहा है। इसका कारण ये ज़रूरी नहीं है कि सेंसर वायर ही ख़राब है, इसका वायर भी कहीं से टूटा हुआ हो सकता है, तो वो हम मोटर खोलने के बाद में मालूम पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा हमें इस वायर का पहले, तो कि कंटिन्यूटी पे प्रॉपर वायर है या नहीं है।
एक वायर प्रॉपर है तो फिर सेंसर का प्रॉब्लम है, वो खोने के बाद में ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, इस पर अगर ये सही होता तो इस पर रेडिंग दिखाता, जैसे कि रेड कलर वायर है, इस पर हम मल्टीमीटर का रेड कलर वायर दिखा दिया, लगाया, लगाने के बाद में हम मल्टीमीटर का जो ब्लैक कलर वायर लगा रहे इस पर रेडिंग दिखाएगा 1700 या 1800 से लेकर 1900 तक दिखाएगा तीनों सेंसर वायरों पे। और जो माइनस वायर पर हमने लगाया था रेड कलर वायर, इस पर आपको 500 से लेके 700 के बीच में दिखाएगा। ठीक है, ऐसे उसको चेक करना है। तो इसका सेंसर वायर खराब है, अब सेंसर वायर बोल दो या सेंसर प्लेट बोल दो खराब है इसके अंदर, वो सही करने के बाद में ही ये प्रॉपर वर्क करेगी।